श्री सत्य प्रकाश जी, क्वेश्चन नंबर 4। सर आंसर इज रीड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो मानेसर को सब डिवीजन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय स्पीकर महोदय, गुरुग्राम बहुत कंजस्टेड हो गया है और वहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि बढ़ाते हैं रहने की या व्यापार की, तो असंभव हो रही है। मेरा आपके ये प्रश्न लगाने का तात्पर्य ये है कि पटौदी को, जो पहले धारूहेड़ा पटौदी का हिस्सा था उसको, और फर्कनगर और मेवात से तावड़ू को मिलाकर एक नया जिला पटौदी का बना दिया जाए, ऐसा अनुरोध मेरा आपसे है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम साहब से यही अनुरोध करूंगा कि गुरुग्राम को एक्सपेंशन कर न्यू गुरुग्राम या साउथ गुरुग्राम से एक नया जिला बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था और उसके कारण 1/1/2024 तक सभी लैंड बाउंड्री सील कर दी गई है और किसी भी तरह का फेरबदल लैंड बाउंड्रीज में किसी भी प्रदेश में आज नहीं हो सकता। वहीं जो बात माननीय विधायक ने कही, ये तो मैं कहता हूँ इनकी किस्मत है कि मानेसर पहला ऐसा गांव था देश का जो कमेटी काउंसिल नहीं बना, गांव से लेकर सीधा कॉरपोरेशन बना और आज सब डिवीजन भी बन गया। मगर एक चीज़ हमें भी देखनी पड़ेगी कि आज गांव से कॉरपोरेशन, सब डिवीजन, जिला, और फिर तो ये मांग भी आ जाएगी कल नया प्रदेश बना दो। इतने छोटे प्रदेश में आज 22 जिले हैं और पॉपुलेशन के आधार पर मुझे लगता है सामान्य बंटवारा पूरे प्रदेश में जिलों का है। और आज कोई ऐसा विषय हरियाणा सरकार के पास भी नहीं है कि कोई नया जिला प्रस्तावित। धन्यवाद करता हूँ निगम का भी, लेकिन माननीय डिप्टी साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जब भी कभी पुनर्गठन हो तो इस पर जरूर विचार किया जाए, मेरा ऐसा अनुरोध है।